जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूं जय श्री पवार। और आज हम फिर से आ गए बफेलो कुकिंग करने के लिए। और यहाँ पर देखो, सुबह से काम चालू हो चुका है। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह के 6 बजे है और सुबह की फ्रेश मॉर्निंग है। यहाँ पर काम शुरू होता है और देखो, यहाँ पर मिल्किंग भी शुरू हो चुकी है। ये हमारे बफेलो सिटी के बीचों बीच है बिल्कुल। और यहाँ पर कस्टमर भी अपने आप आते हैं, बस दूध निकाल कर सामने रखने की ज़रूरत है। और देखो, बफेलो बहुत अच्छे से चारा भी खाते हैं और दूध भी देते हैं बहुत सारा। और अभी मैं ट्राई करूँगी। मुझसे जितना हो निकल सकता था निकाल लिया। फिर हाथों में दर्द होने लगा तो फिर बाड़ू भाई ने निकालना शुरू किया। और वो मुझे समझा रहे थे कि कैसे उंगलियां रखनी है और किस तरह से प्रेस करना है तभी दूध आता है। और मैं वैसे, उन्होंने बोला वैसे कर रही थी तो दूध अच्छे से निकल आ रहा था। लेकिन मेरे हाथों में पहले से मिल्किंग करने से बहुत दर्द होने लगा था, फिर मैंने छोड़ दिया। और वो देखो कितने तेज़ी से निकालते हैं, बिल्कुल मशीन जैसा। लेकिन मैं अभी उनको बहुत गौर से देखूंगी और पक्का इनका जैसा एक दिन करके रहूंगी। फिर मैं यही पास से बैठ गई ताकि मैं उनको अच्छे से गौर से देख सकूँ वो कैसे मिल्किंग करते हैं। और मुझे भी इसी तरह से मिल्किंग सीखनी है। लेकिन ये बफेलो को मैं यहाँ बैठी अच्छी नहीं लग रही थी, वो बार बार पूछ मार रही थी मुझे। फिर भी मैं डटी रही, वहाँ से हिली नहीं और देखती रही कि बाबू भाई वो कैसे निकालते हैं। और वो इतने तेज़ी से निकाल रहे थे जैसे कि मशीन हो उनके हाथों में, बस दूध निकालते जा रहे थे निकालते जा रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और सोच रही थी कि मैं ऐसा कब निकालूंगी, लेकिन बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। लेकिन ये भैंस का दूध निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ होती है, इसकी वजह से ये दूध आसानी से नहीं निकलता। लेकिन बाड़ू भाव को बहुत सारी आदत है, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, इसीलिए वो फटाफट से निकालते हैं। और देखो दूध भी कितना आता है फटाफट से। लेकिन सच बताओ, यहाँ पर बैठकर ये मिल्किंग देखना मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे वीडियो में आप मुझे देखकर सोते इसी तरह से मुझे ये मिल्किंग देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बचपन से ही पापा के साथ, मेरे दादाजी के साथ मिल्किंग करने के लिए जाती थी। तब तो
देखने जाती थी आप ट्राई कर रही हो, और हाथों में बहुत दर्द हो रहा था बीच बीच में, मैं उन्हें भी प्रेस कर दी थी। मेरे पापा, दादाजी और ससुर जी बहुत तेज़ी से दूध निकालते हैं, उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं किया था, लेकिन अभी मुझे सीखना ही सीखना है। लेकिन बचपन से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और आज मैं बहुत दिनों बाद यहाँ बैठकर देख रही थी सुकून से, तो पूरा बचपन याद आ गया। तभी भी हम बहुत ऐसे, और जब ये दूध निकालते हैं तो हम इसे कच्चा ही पी जाते थे, मतलब छान कर बस, उसे कोई गर्म भी नहीं करते थे, और ना ही उसमें शक्कर बोर्नविटा हॉर्लिक्स कुछ मिला कर पीते थे, बस ऐसे ही दूध पी जाते थे बिना शक्कर और बिना गर्म किए। वो बहुत टेस्टी और हेल्दी होता था, और एक गिलास पी सुबह और शाम को हम भाई बहन पी लेते थे, तो कोई खाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, भूख भी मिट जाती, और जो शरीर को चाहिए वो सारी चीज़ें भी मिल जाती। अब सारा भैंसों का दूध निकाल चुके हैं और इकट्ठा किया है, अभी भी यहाँ पर कस्टमर शुरू हो जाएंगे आना, और ये हमने बिल्कुल रेडी कर रखा है। अरे देखो कितना ताज़ा, फ्रेश और गाढ़ा है, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और ये इसीलिए ये लोग यहाँ खुद आकर लेकर जाते हैं, उनको पूरा यकीन है हम लोगों पर कि इसमें हम मिलावट बिल्कुल नहीं करते। और दूध के साथ सब्ज़ी भी लेते हैं यहाँ से फ्रेश, ये थोड़ी सी बची हुई थी कल की, और अभी लगा रहे नई वाली, और ये दोनों चीज़ें दूध और सब्ज़ी साथ लेकर ही घर जाते। और ये हेवी इतनी फ्रेश अभी मंडी से लाए है, और बहुत ताज़ी ताज़ी और फ्रेश सब्ज़ी है। देखो कितना फ्रेश और ताज़ा दूध हमें मिल चुका है, एकदम गाढ़ा है, और इससे घी भी बहुत अच्छा बनता है घर पर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।